वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ इन EVS क्लास. स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 सेंसिंग पावर्स. Our sense organ allow us to feel the world around us. जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं ये हमें इजाज़त देती हैं कि हम जो है हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको महसूस करें. We have 5 sense organs. हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं. Ears, nose, eyes, tongue and skin. वो कौन कौन सी हैं? हमारे कान, नाक, आँखें, जीभ और हमारी जो चमड़ी है. दे हेल्प अस टू हेयर, स्मेल, सी, टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड अस. ये हमारी मदद करती हैं सुनने में, सूंघने में, देखने में, स्वाद चखने में और महसूस करने में चीज़ों को जो हमारे आसपास हैं. वी हैव ए ब्रेन इनसाइड द स्कल ऑफ द हेड. हमारी जो सर्वली स्कल है, खोपड़ी है, उस पर एक अंदर ब्रेन है. इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे जो शरीर के सारे अंग हैं उनको कंट्रोल करता है. इट कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स. ये क्या करता है, ये सारों को एक सार बनाता है, समन्वय बनाता है, कोऑर्डिनेट करना कि मतलब सब में तालमेल बिठाता है. कौन कौन सी क्रियाओं में, जब हम सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जब कुछ याद करते हैं और जो हम कभी अपनी जो शरीर के अंग हैं उनमें से जो सेंस ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रियां, उनसे कोई हम मैसेज प्राप्त करते हैं तो ये उन सब में तालमेल बिठाता है. कौन? ब्रेन. द ब्रेन इज कनेक्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू नर्व्स. जो ब्रेन है वो सारे बॉडी पार्ट्स से किससे जुड़ा होता है, हमारी नाड़ियों के द्वारा, नर्व्स के द्वारा. नर्व्स आर फाइन फाइबर्स विच कम्युनिकेट मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. जो नर्व्स होती हैं ये मैसेज कहाँ से लेती हैं, मतलब नर्व्स जो हैं ब्रेन का मैसेज मतलब लेती और देती रहती हैं. जो मैसेज हैं ये नर्व्स के द्वारा ये उनको देते रहते हैं और मैसेज जो है ब्रेन को देते और लेते रहते हैं. द ब्रेन रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड ऑर्डर्स द ऑर्गन्स व्हाट टू डू. ये जो है हमारा ब्रेन जो है ये हमारी ज्ञान इंद्रियों से मैसेज लेता है और जो अंगों को देता है और फिर बताता है कि क्या करना है. डिफरेंट एरियाज इन द ब्रेन कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. जो हमारा दिमाग है उसके अलग अलग जो एरियाज हैं उसमें डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस होते हैं बॉडी की. सेंस ऑफ स्मेल, जो हमारी सूंघने की शक्ति है. वी कैन डिफ्रेंशिएट प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट स्मेल थ्रू अवर नोज. जो हमें अच्छी लगती है और जो हमें गंदी लगती है वो वाली स्मेल में डिफरेंस कौन करता है, हमारी नाक. व्हेन वी स्मेल सम टिनी पार्टिकल्स एंटर अवर नोज थ्रू द नोस्ट्रिल्स. जो नथने होते हैं उनके थ्रू हमारी जो स्मेल होती है, जब हम सूंघते हैं तो जो स्मेल के टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नथनों के थ्रू नाक में चले जाते हैं. दीज टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्मेल पार्टिकल्स. इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको हम स्मेल पार्टिकल्स कहते हैं. वंस दे एंटर द नोस्ट्रिल, जब वो एक बार नाक के अंदर घुस जाते हैं, द एयर मूव इन टू ए स्पेस एट द टॉप ऑफ द नोज. तो वो कहाँ चली जाती है, नाक की टॉप में. दिस स्पेस इज कवर्ड विद स्पेशल स्मेलिंग सेल्स. और ये जो स्पेस होती है, जगह होती है, इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो सूंघने वाले सेल्स होते हैं. द स्मेल स्टिक्स टू दीज सेल्स. ये जो स्मेल है ये इन सेल्स के साथ
चिपक जाती है एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, और ब्रेन को जो दिमाग है उसको सिग्नल भेजती है। द ब्रेन देन आइडेंटिफाइज द सोर्सेज ऑफ द स्मेल, तब वो ये ब्रेन ये आइडेंटिफाई करता है, ये मतलब देखता है कि मतलब सोर्स क्या है स्मेल का, एंड टेल अस व्हाट इज इट, और ये क्या है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग 7 टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की शक्ति है, वो इतनी कैपेबल होती है, योग्य होती है कि वो 7 तरह की स्मेल्स को देख सकती है, जैसे कपूर की मतलब कपूर की, मस्क मतलब कस्तूरी, फ्लावर मतलब फूल, मिंट मतलब पुदीना, ईथर मतलब ईंधन, एक्रेट मतलब तीखा, और पुट्रेट मतलब सड़ा हुआ। द नोज ऑल्सो क्लीन्स द एयर वी ब्रीथ, और जो नोज है उस वाली हवा को भी साफ करती है जो हम लेते हैं। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव और एलर्जिक टू सर्टन स्मेल्स, कुछ लोग जो होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं कुछ स्मेल्स के लिए। दे मे नॉट लाइक द स्मेल ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ फूड, उनको कुछ तरह के खानों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। वी शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ दोज हु डू नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मान करनी चाहिए, जिनको जो तेज स्मेल होती है अच्छी नहीं लगती। दो सम पीपल मे बी एलर्जिक टू देम, उनको उससे एलर्जी होती है। मोस्ट पीपल फाइंड द स्मेल ऑफ रूम फ्रेशनर्स परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स एंड आफ्टर शेव लोशन वेरी प्लेजेंट, और कुछ को जो होती है ये स्मेल्स होती हैं जो जैसे रूम फ्रेशनर्स की, परफ्यूम की, डिओड्रेंट की, और शेविंग क्रीम जो शेव के बाद आफ्टर शेव लगाते हैं लोशन, उसकी बहुत अच्छी लगती है। गुड स्मेल्स हैज़ द एबिलिटी टू कवर अदर फाउल स्मेल्स, जो अच्छी स्मेल होती है उसमें ये योग्यता होती है कि वो जो गंदी स्मेल होती है उसको ढक देती है। दैट इज़ वाई पीपल यूज़ अंडर आर्म्स डिओड्रेंट्स टू कवर बैड स्मेल ऑफ देयर स्वेट और जस्ट टू स्मेल गुड, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं अपने अंडर आर्म्स के नीचे बगलों में डिओड्रेंट लगा देते हैं ताकि जो पसीने की बदबू आती है वो ना आए और वो उनके जो वहाँ से अच्छी स्मेल आए। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच, टच इज़ द नेम ऑफ द सेंसेशन ट्रांसमिटेड बाय योर नर्व एंडिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो टच है वो क्या होता है, इज़ द नेम ऑफ द सेंसेशन, जो ट्रांसमिशन होता है नर्व्स के जहाँ एंड होती हैं फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक पार्ट जो है बॉडी के पार्ट में, दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन, वो स्किन के अंदर होती हैं। वेन समथिंग टच अस, जब कोई हमें छूता है इवन लाइटली बिल्कुल हल्के से, इट प्रेस वन और मोर नर्व्स अंडर आवर स्किन, तो जब हमें कोई धीरे से भी छूता है तो वो क्या करता है एक या दो नर्व्स को प्रेस कर देता है, दबा देता है। दे कैरी द मैसेज टू आवर ब्रेन, तो वो जो मैसेज लेके ब्रेन को देते हैं। आवर ब्रेन टेल्स अस व्हाट द ऑब्जेक्ट वी टच फील्स लाइक, हमने मतलब कौन से ऑब्जेक्ट से हमें महसूस हुआ कि कौन से ऑब्जेक्ट से हमें किसी ने छुआ है। देयर आर डिफरेंट नर्व्स टू फील हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, पेन, प्रेशर, सॉफ्टनेस, हार्डनेस एक्सेट्रा, और कह रहे हैं देयर आर डिफरेंट नर्व्स, और बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं जो ये फील कराती हैं कि ये गर्म है, ठंडा है, ठंडा ऑब्जेक्ट है या गर्म ऑब्जेक्ट है, दर्द हो रही है या प्रेशर हो रहा है, या कुछ सॉफ्ट लगा है, कोमल लगा है, या कठोर है। इफ़ समवन पिंच अवर आर्म्स द नर्व्स टेल्स अवर ब्रेन डैट हर्ट्स, अगर कोई हमें चोटी काटता है तो हमें ये हमारी नर्व्स हमारे ब्रेन को बताती हैं कि हमें किसी ने नुकसान पहुँचाया है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हैव डिफरेंट सेंसिंग पावर, जो हमारी शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी जो सेंस करने की शक्ति है वो अलग अलग है। आवर फिंगर टिप्स
एंड आवर टंग आर मोर सेंसिटिव, हमारी जो फिंगर टिप्स होती हैं मतलब फिंगर के अगले हिस्से होते हैं और जो हमारी जीभ होती है वो ज़्यादा संवेदनशील है देन अवर बैक, हमारी पीठ से। आस्क योर फ्रेंड टू टच योर बैक विद टू पेंस विद कैप ऑन देम हेल्ड क्लोज टुगेदर, कह रहे हैं अपने दोस्त को कहिए कि आपकी पीठ पे दो पेन से टच करे और उन पे कैप लगा के पास पास में। यू विल फील दैट योर फ्रेंड इज यूजिंग ओनली वन पेन, और आपको महसूस होगा कि आपका दोस्त एक ही पेन से कुछ कर रहा है, उसने एक ही पेन यूज़ किया। हाउ एवर योर फिंगर टिप्स कैन फील द सेंसेशन ऑफ बोथ पेन्स इजली, और जो तुम्हारे फिंगर टिप्स हैं मतलब पोटू होती हैं अगले उंगलियां जहाँ ख़त्म होती हैं वो मतलब दोनों पेन्स को महसूस कर लेंगे। दिस इज़ बिकॉज इन द मोर सेंसिटिव दिस इज मोर सेंसिटिव पार्ट द नर्व्स आर क्लोजर टुगेदर देन दे आर इन लेस सेंसिटिव पार्ट्स, कह रहे हैं ये इसलिए होता है क्योंकि मोर सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, बिकॉज इन द मोर सेंसिटिव पार्ट्स जो नर्व्स होती हैं जो पार्ट्स आपके ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उसमें जो नर्व्स होती हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं उन वाले पार्ट से जिनमें आपको जैसे पीठ वगैरह तो उसमें जो नर्व्स होती हैं वो दूर दूर होती हैं, तो इसलिए आपको जो महसूस होता है वो देर से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। सो योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।